नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार के लिए आज फैसले का दिन है, वो इसलिए क्योंकि आज लॉकडाउन 4 की अवधि समाप्त हो रही है और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के फैसले का सभी को इंतजार है। इंतजार इस बात का कि बिहार में लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर बिहार में लॉकडाउन को बरकरार रखते हुए रियायतों को और बढ़ाया जाएगा। बिहार में 9 जून से लॉकडाउन का स्वरूप और इसकी अवधि क्या होगी, इस पर मंगलवार यानी कि आज फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रियों और पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद लॉकडाउन को लेकर फैसला करेंगे। कौन कौन सी पाबंदियां रहेंगी और क्या क्या अतिरिक्त छूट दिए जाएंगे, इस पर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में चर्चा होगी। इसके बाद गृह विभाग लॉकडाउन 5 को लेकर आदेश जारी कर देगा। 9 जून से लॉकडाउन 5 प्रभावी हो सकता है। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन का विस्तार किया जा सकता है। लॉकडाउन 5 में और भी कई तरह की छूट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। दुकानों के खुलने के समय में और भी छूट मिल सकती है। साथ ही आवागमन से संबंधित कई अहम निर्णय आज की बैठक में लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। संबंधित विभागों ने भी राय दी है कि लॉकडाउन को अभी पूरी तरह से नहीं हटाया जाना चाहिए। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 5 मई से बिहार में लॉकडाउन लगा रखा है। लॉकडाउन का प्रथम चरण 15 मई तक था, बाद में इसे 25 तारीख तक बढ़ाया गया। हालात की समीक्षा के बाद सरकार ने एक सप्ताह तक इसे और बढ़ाने का फैसला लिया। फिर 2 से 8 जून तक के लिए लॉकडाउन 4 लागू किया गया, जो मंगलवार तक प्रभावी है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन अभी जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि लॉकडाउन 4 के मुकाबले लॉकडाउन 5 में प्रतिबंधों में अतिरिक्त ढील दी जा सकती है। अभी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों को सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की इजाजत है। माना जा रहा है कि दुकानें शाम 4 या उसके बाद खोले जाने की इजाजत सरकार के द्वारा मिल सकती है। बहरहाल नीतीश कुमार जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक कर रहे होंगे और बैठक के बाद जब समीक्षा होगी तो इस बात का फैसला लिया जाएगा कि बिहार में लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। आपको पता है कि सोमवार को ही नीतीश कुमार की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक होनी थी, लेकिन किसी कारण से उसे टाल दिया गया और आज वो बैठक होने जा रही है जिसमें बिहार के लिए अहम फैसला लिया जाएगा। ये तय किया जाएगा कि बिहार में लॉकडाउन की मियाद को और कितना बढ़ाना है और ये भी तय किया जा सकता है कि बिहार में छूट को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। बिहार में लगातार लॉकडाउन को हटाने की मांग एक तबका कर रहा है, तो वहीं एक तबका है जो ये कह रहा है कि बिहार में पूरी तरह से कोरोना अभी नियंत्रण में नहीं आया है, इसलिए लॉकडाउन 5 की दरकार अभी भी राज्य को है। अगर लोगों को सुरक्षित रखना है तो नीतीश कुमार को इस पर विचार कर फैसला लेना होगा। बहरहाल देखने वाली बात ये होती है कि नीतीश कुमार का अंतिम फैसला क्या होता है। तब तक के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।